गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को दसवीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में तव्यत प्रत्यय सेठ धातु जो ई से युक्त के उदाहरण बताने जा रहा हूँ। आपको पता है कि अनिट धातु और सेठ धातु में क्या अंतर है। अनिट धातु वह होती है जिसमें धातु परिवर्तनशील होती हैं, मतलब जैसे कि जो धातुएं लट और लेट लकार में बदलती हैं, परिवर्तनशील हैं, वे अनिट धातु कहलाती हैं। जैसे गम धातु लट लकार में उसका रूप होता है गच्छति और लेट लकार में गमिष्यति। पा धातु है जिसका लट लकार में रूप होता है पिबति और लेट लकार में पास्यति। तो आपने देखा यहाँ धातु के रूप बदल गए हैं लट और लेट लकार में, लेकिन सेठ धातु होती है जो लट और लेट लकार में उसके रूप बदलते नहीं हैं, वे ई से युक्त होती हैं। जैसे आपने देखा कि पठ धातु है तो पठ धातु का रूप लट लकार में पठति और लेट लकार में पठिष्यति होता है, तो इसमें उसके रूप नहीं बदले, तो वे सेठ धातु होती हैं। अब आपको मैं तव्यत प्रत्यय के सेठ धातु के बारे में बता रहा हूँ। धातु है, प्रत्यय है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। आप जानते हैं तव्यत प्रत्यय चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है। अर्थ धातु है जिसका अर्थ होता है पूजा करना। तव्यत प्रत्यय लगाए तो इसका पुल्लिंग में रूप हो गया अर्चितव्य, स्त्रीलिंग में अर्चितव्या, नपुंसक लिंग में अर्चितव्यम। अस धातु है जिसका अर्थ होता है होना, इसमें हम तव्यत प्रत्यय लगाए हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप हुआ है भवितव्य, स्त्रीलिंग में भवितव्या और नपुंसक लिंग में भवितव्यम। ठीक उसी तरह से ये धातु है जिसका अर्थ होता है बढ़ना, इसमें जब हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप होता है एधितव्य, स्त्रीलिंग में एधितव्या, नपुंसक लिंग में एधितव्यम। कथ धातु है जिसका अर्थ होता है कहना। तव्यत प्रत्यय जब इसमें लगाते हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप होता है कथ इतव्य, स्त्रीलिंग में कथ इतव्या, नपुंसक लिंग में कथ इतव्यम। कंप धातु है जिसका अर्थ होता है कांपना, इसमें जब हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप बनता है कंपितव्य, स्त्रीलिंग में कंपितव्या, नपुंसक लिंग में कंपितव्यम। कुप धातु है जिसका अर्थ होता है क्रोध करना, इसमें जब हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं पुल्लिंग में इसका रूप बनता है कोपितव्य, स्त्रीलिंग में कोपितव्या, नपुंसक लिंग में कोपितव्यम। अब क्रंद धातु है जिसका अर्थ होता है चिल्लाना, इसमें तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप बनता है क्रंदितव्य, स्त्रीलिंग में क्रंदितव्य और नपुंसक लिंग में क्रंदितव्यम। क्रीड धातु है जिसका अर्थ होता है खेलना, इसमें हम जब तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप बनता है क्रीडितव्य, स्त्रीलिंग में क्रीडितव्य और नपुंसक लिंग में क्रीडितव्यम। इस प्रकार तव्यत प्रत्यय सेठ धातु के ये कुछ उदाहरण हुए। इसके अन्य उदाहरण मैं अगले रोज आपको लिखाऊंगा।